हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पे HLF कनेक्ट सर्च पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद अगर इंटरनेट बंद है तो ऑन करना पड़ेगा। जब सर्च पे क्लिक करोगे तो लोगों के साथ HLF कनेक्ट ऐप सबसे पहले दिखाई देगा, आपको उस पे ही क्लिक करना है HLF कनेक्ट पे। इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है ताकि ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप जब इंस्टॉल होने लगेगा तो थोड़ी देर थोड़ा टाइम लगेगा उसको इंस्टॉल होने में, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी इंस्टॉल हो गया है ऐप, अब आप इसको ओपन कर सकते हो। तो अब हम थोड़ी देर बाद ऐप को ओपन करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें न्यू यूजर पे क्लिक करना है, यहाँ पे अलाउ क्लिक पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करना है क्योंकि हम फर्स्ट पहली बार ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, जो कस्टमर कोड बटन है इस पे सिलेक्ट क्लिक करना है और कस्ट कॉन्ट्रैक्ट नंबर पे जाना है कॉन्टैक्ट नंबर हमसे और पूछा कॉन्ट्रैक्ट नंबर था, हमसे पूछा था हमसे लगा पूछें फ़ोन लगा के, फिर पोस्ट का है बस। पोस्ट। अरे कई जगह पे चले जाओ ना, फिर लोन रिकवरी एजेंट से फ़ोन लगा के पूछें या फिर ब्रांच मैनेजर से या सेल्स मैनेजर से, जिसका भी आपको कांटेक्ट नंबर, जिसका आप HLF कोई का जो भी कांटेक्ट डिटेल आपके पास है वहाँ पे कॉल करें एम्प्लॉय की डिटेल पे, एम्प्लॉय के कांटेक्ट पे, और उनसे कांटेक्ट नंबर पता कर लें। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, फिर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। ये दिखाई नहीं देगा इसलिए आपको रोटेट करना पड़ेगा। ब्रांच पे क्लिक करना है और ब्रांच पे टेली कॉलर को सिलेक्ट करना है, फिर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को देखना है। जो भी OTP गया है उसको सही सही यहाँ पे मैसेज के द्वारा जो OTP गया है उसको डालना है। अगर आपके पास OTP नहीं पहुँचा है तो रीसेंड OTP पर क्लिक करें जिससे कि OTP दोबारा जाए। अभी यहाँ पे OTP पहुँच गया है तो हम OTP डाल रहे हैं 592132, और कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, ओके पर क्लिक करें और आगे लॉगिन की प्रोसेस के लिए दोबारा जो विंडो खुली है उस पर क्लिक करें। अपना फ़ोन नंबर डालें, फ़ोन नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करें जिससे कि एक OTP फिर आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। अब वो वही OTP जो अभी अभी आपके मोबाइल में पहुंचा है उसको सिलेक्ट करें। उसको जैसे ही आप डाल देंगे, इनपुट करेंगे, तो आप लॉगिन कर पाएंगे और अपनी लोन डिटेल और बाकी जो भी आपके हिंदुजा ने रिक्वेस्ट दे रखी है आप वो देख सकते हैं। आप यहीं से अपनी लोन की किस्त भी पे कर सकते हैं, आपके लोन की डिटेल भी देख सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। अब यहाँ पे हम लोन डिटेल देख रहे हैं तो माय लोन डिटेल पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ एक्टिव यूजर लिखा आ जाएगा जो आपका यूजर
कोड है उससे, और ये आपकी डिटेल आ जाएगी, कितनी ईएमआई आपने दिए हैं, ओवरड्यू कितनी है, टोटल कितनी है, आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, किस चीज़ पर आपने लोन लिया था, एंड डेट कब है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आप उन पे सिलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस कर सकते हैं। अपने लिए ऑफर वगैरह सब, अगर आप ऑफ़र देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, स्टेटमेंट देखें, ट्रांजैक्शंस देखें, रीपेमेंट शेड्यूल से आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट किस्त कब है, अगली किस्त कब आएगी।